وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم रमज़ान मुबारक का महीना, ये असल में तो बख्शिश का महीना, मग़फ़िरत का महीना है, ईमान वालों की गुनाहों की माफ़ी का महीना है। रोज़े से बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं, अगर सही आदाब के साथ रोज़े रखे जाएं, ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, तो पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह भी माफ़ होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, अगर ये हो जाए कबूल तो बस इंशाल्लाह जन्नत पक्की है। फिर अल्लाह ताला की रहमतों में से एक और रहमत कि इंसान कमज़ोर है, अल्लाह जानते हैं, ख़ताकार है, जल्दबाज है, नाक़िसुल अक़ल है, नाक़िस है, कामिल तो नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए जो रोज़े की कमी थी ना, कोई कोताही थी, कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, उसको माफ़ कर देने का निहायत आसान तरीक़ा बना दिया। फरमाया सदका फितर अदा कर दो। पूरे महीने के रोज़े सिर्फ सदका फितर अदा कर देने से पास होने के करीब हो जाते हैं, कबूलियत के करीब पहुंच जाते हैं। हदीस के अंदर आता है कि इंसान रोज़े रखता है लेकिन ये रोज़े ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो जाते हैं जब तक कि सदका फितर अदा ना कर। जैसे ही सदका फितर अदा कर दे तो फिर वो ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कबूलियत के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। रोज़ा रखा, किसी से गलती से गुस्सा कर दिया, कुछ बात गलत हो गई, कोई ऐसा मसला आ गया जो रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ है, अब क्या करें, अल्लाह ने रास्ता रखा है सदका फितर अदा का, तो बहुत शौक़ से, रग़बत से, मोहब्बत से अदा करने की ज़रूरत है। सदका फितर अदा करना वाजिब है, ये लाजिम है। फिर जब इंसान सदका फितर अदा करता है तो अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत पूरी होती है। सदका फितर जब अदा करता है तो माल में बरकत होती है। सदका फितर जब अदा करता है तो रोज़ों की कमी कोताही माफ़ कर दी जाती है। सदका फितर जब अदा करता है तो रोज़े कबूलियत के लिए ऊपर आसमानों में पहुंच जाते हैं। और सदका फितर जब अदा करता है तो इसके गरीब बहन भाइयों का और गरीब लोगों का पेट भर जाता है, उनके दिल खुश हो जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। तो एक छोटी सी अमाउंट कितनी ज़्यादा जो है ना वो बरकतें लिए रखी हुई है। तो सदका फितर के हवाले से चंद बातें ज़रा और भी सुन लीजिए। सदका फितर ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले अदा करना है। अगर किसी ने ईद की नमाज़ अदा कर ली और सदका फितर अदा ना किया तो वाजिब अब भी है, अब इसको कर्ज़ तो अदा करना है, लेकिन जो वो बरकतें थी ना वो सारी रह गई, देना फिर भी है तो पहले अदा करें। अब कितना भी पहले अदा करें, रमज़ान का महीना शुरू होने के बाद चाहे पहले रोज़े को दे, चाहे दसवें को दे, चाहे अट्ठाईसवें को दे, लेकिन नमाज पे जाने से पहले, ईद की नमाज़ पे जाने से पहले पहले अदा कर दे। अब कितना अदा करें, गंदम का निसाब है सबसे कम कीमत और सबसे सस्ता, वो भी दे दें। लेकिन एक अमीर आदमी और हमेशा गंदम दे, ये कंजूस मक्खी चूस है पक्का, गलत है। चलो कभी दिल नहीं कर रहा ज़्यादा देने का तो कभी गंदम दे दी, लेकिन गंदम ही को पकड़ लेना अमीरों के लिए बहुत गलत है। ये तो जिनके पास वसाइल की कमी है उनके लिए आसानी रखी है, ये अमीरों के लिए गंदम अदा हो जाता है लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले है गंदम, उसके बाद जौ,
किशमिश और खजूर, ये चार चीज़ें हैं। तो इंसान जितना ज़्यादा देगा, अरे भाई पूरे महीने के रोज़े कबूलियत की तरफ जाएंगे, तो अब आप गंदम दे के 250-300 में जान छुड़ा लें एक अमीर आदमी, या फिर दिल खुश करके जनाब वो को 7,000 वाला दे, 3,500 वाला दे फीकस, तो ज़्यादा अच्छा नहीं। तो इसके लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कहीं, मैं जानता हूँ, बस वो कहते हैं सबसे सस्ते वाला है उसी से काम खिंच चला लो। नहीं भाई, पूरे महीने की इबादत का मामला है, तो इसलिए इंसान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अदा करे। तो बेहतर ये है कि चलो खजूर नहीं दे रहा, किशमिश ही दे दे, अल्लाह ताला बरकतें और देंगे और आ जाएगा, कम कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। सदका फितर किन किन पर वाजिब है? मुसलमान होना काफिर पर वाजिब नहीं है, क्योंकि यह इबादत है और काफिर के ऊपर इबादत नहीं। आज़ाद होना, तहम आजकल बांदी और ग़ुलाम वो मिलते ही नहीं शरई, जो कहीं दुनिया में इस्लामी हुकूमत उस शरई अंदाज की है ही नहीं, तो वो तो चीज़ ही अब ख़त्म हो गई, तो अब सारे ही आज़ाद हैं, बल्कि अब तो मादर पिदर आज़ाद हो गए, इतने आज़ाद हो गए हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह के हुक्मों से भी आज़ाद होते जा रहे हैं। इसके बाद तीसरी बात है साहिब निसाब होना, ये बहुत अहम बात समझने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सदका फितर तो वाजिब है लेकिन ज़कात वाजिब नहीं, या यूँ समझ लीजिए जो शख्स ज़कात अदा करता है उसने क़ुरबानी भी अदा करनी है मौके पे अपने, और सदका फितर भी अदा करना है। जो साहिब निसाब ज़कात वाला शख्स है उसको क़ुरबानी भी अदा करनी है और सदका फितर भी अदा करना है। तो ज़कात वाले तो ये हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती लेकिन सदका फितर फिर भी वाजिब होता है। कैसे? ज़कात चार चीज़ों पर है, सोना, चांदी, माल तिजारत और नकद। ये चारों चीज़ें मिलजुल के, कोई दो चीज़ें, तीन चीज़ें या चारों चीज़ें मिलजुल के अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत से बढ़ गईं, तक पहुंच गईं, बढ़ गईं, तो ज़कात वाजिब है। एग्जेम्पशन क्या है भाई? घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो बरसों इस्तेमाल नहीं होती, सारी एग्जेम्प्टेड। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल हो रही हैं, गाड़ी है, अब ये फर्नीचर है और बहुत सारी चीज़ें, घर में अगर आप देखें तो सिर्फ चार चीज़ें तो नहीं होती ना, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, वो सारी एग्जेम्प्टेड हैं, उसमें ज़कात नहीं है। ज़कात किन चार चीज़ों पर? सोना, चांदी, माल तिजारत और नकद, ये चार चीज़ें। अब जो सदका फितर है ना, वो इन चारों के साथ एक पांचवी चीज़ भी साथ शामिल होती है, यानी इसका जो है ना वो सर्कल बड़ा है, ज़कात की नस्बत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है? ज़रूरत से ज़ायद सामान। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल गालिबा 1,13,000 है, ये चेंज होती रहती है, पता करते रहना चाहिए। तो ये 2023 का जो रमज़ान है तकरीबन 1,13,14,000 रुपये का फ़िगर था। तो ज़कात किन पे वाजिब हो रही है? कि पहली चार चीज़ें 1,13,000 तक पहुँचे, पहली चार में से कोई दो तीन चीज़ें। लेकिन सदका फितर पांच चीज़ें, यानी एक आदमी के पास सोना चांदी वगैरह मिला के 80,000 का था, लेकिन उसके बाद 50,000 का घर में जहेज़ का सामान पड़ा हुआ है बेटी के लिए जो 5 साल से पड़ा हुआ है, शादी में भी 2 साल बाकी है, तो इसने ज़कात, इसने सदका फितर देना है। ज़रूरत से ज़ायद सामान कौन सा है? अब ये सवाल, भाई घर में वो सामान जो 1 साल तक आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो पक्की बात है ना ज़रूरत से ज़ायद है। एक चीज़ रोज़ इस्तेमाल हो रही है, एक महीने बाद इस्तेमाल हो रही है, कोई चीज़ 6 महीने बाद इस्तेमाल होती है, जैसे सर्दी गर्मी के कपड़े, गर्मियों, अब जैसे सर्दी चले गए तो रख दिए सारे, अब गर्मी के निकाल लिए, अब सर्दी आएगी तो वो निकाल लेंगे, ये रख देंगे, तो ये ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन इसमें भी हम देखें कौन सी चीज़ जो हम बरसों इस्तेमाल नहीं करते, अगर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, अगर नहीं है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जिनके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है तो उन्होंने भी सदका फितर भी देना है।
तो ज़कात जिन लोगों पर वाजिब है, सदका फितर तो ख़ुद बखुद उन पर वाजिब हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात तो वाजिब नहीं होती लेकिन सदका फितर वाजिब होता है कि सामान मौजूद होता है घर में। अच्छा, ज़कात तो साहिब निसाब पर ही फ़र्ज़ है ना, लेकिन सदका फितर का मामला क्या है? एक आदमी साहिब निसाब है, उसके छोटे बच्चे भी हैं। एक बच्चा है अभी 4 घंटे पहले, ईद की नमाज़ से थोड़ी देर पहले पैदा हुआ, चांद रात को, उसका भी देना पड़ेगा। एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, नाबालिग है, सबका देना होगा। तो घर में जितने लोग हैं सबकी तरफ से अदा होगा, सबकी तरफ से देना होगा। अच्छा, सदका फितर वाजिब होने के लिए मुकीम होना शर्त नहीं, ज़रा क़ुरबानी में एक शर्त है ना, तो सदका फितर मुसाफिर भी देगा। सदका फितर वाजिब होने के लिए रमज़ान के रोज़े रखना भी ज़रूरी नहीं है। रमज़ान के रोज़े अलग इबादत है। एक ऐसा बीमार है वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, कई ऐसे होते हैं वो कफ़ारा दे देते हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया है वो ज़िंदगी भर रोज़ा नहीं रख सकता, इतना बीमार है, इतना इसकी हालत ख़राब है। या कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसा शख्स जो वक्ती तौर पर तो बीमार है लेकिन 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो फिर वो अपने महीने के रोज़े की कज़ा करेगा, लेकिन सदका फितर अभी उसने भी अदा करना है। बाज़ लोग कहते हैं जी हम बीमार हो गए तो रोज़ा नहीं रख सकते, तो सदका फितर से भी छुट्टी नहीं, सदका फितर फिर भी अदा करना है। ज़रूरत से ज़ायद सामान की तारीफ जो फुकाहा ने लिखी है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए। मैंने तो एक आसान सी बात कर दी थी, लेकिन इसको ज़रा समझ लीजिए, जब आप लोग क्लिपिंग करेंगे तो इस बात को उससे ज़रा जोड़ दीजिएगा। ये जो सामने हमारे हसीब भाई बैठे हुए नीचे देख रहे हैं, ज़ायद अज़रूरत सामान से क्या मुराद है? ज़ायद अज़रूरत सामान से मुराद वो सामान है जिसके बग़ैर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। फिर सुन लीजिए, ज़रूरत से ज़ायद सामान से मुराद वो वाला सामान जिसके बग़ैर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हों। इस तारीफ़ की रूह से खाने पीने का सामान, रिहायशी मकान, इस्तेमाल के कपड़े, घरेलू ज़रूरी अशिया मसलन सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बर्तन, ये सब चीज़ें ज़रूरत का सामान कहलाएंगे। और ऐसा सामान और बर्तन और कपड़े वगैरह जो बुनियादी ज़रूरत और हाजत के ना हों और साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल ना होते हों, तो ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। तो बहुत सारे घरों में ये मौजूद होता है, तो सदका फितर बहुत बड़ी तादाद के ऊपर वाजिब होता है, इसको अदा करना चाहिए। सदका फितर के लिए साल होना भी ज़रूरी नहीं कि माल आया है साल गुजरेगा। तो अगर किसी के पास 29 रमज़ान को भी माल आ गया है ना, पहले गरीब था, पिछले साल उसने सदका फितर इसलिए नहीं दिया कि माल ही नहीं था, अब 29 रमज़ान को माल इतना आ गया कि 52.5 तोला चांदी या इससे ऊपर पहुंच गए, जनाब दें सदका, सदका फितर देना होगा। ईद की नमाज़ से 6 घंटे पहले भी आ गए ना, चांद रात कब भी देना होगा। तो ये ज़रा उससे बड़ा सिलसिला, इसका स्केल बहुत बड़ा है। कब अदा करना है? ईद की नमाज़ से पहले। रमज़ान में भी अदा कर सकते हैं, पहले रोज़े को कर दें, 18वें को कर दें, 28वें को कर दें, ईद से पहले पहले। लेकिन अगर किसी ने अदा ना किया और ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ ली तो क्या होगा? ये वाजिब बाकी रहेगा लेकिन जो इसकी बरकात थी ना रोज़े से मुतालिक वो ख़त्म हो जाएंगे, तो देना तो पड़ेगा। अगर कोई घर का बड़ा अपनी बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वालदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से देना चाहे तो सबको इतला कर दे, भाई सबको पता हो भाई इन्होंने मेरी तरफ से देना है, तो बस वो दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वैसे शरण तमाम बालिग लोगों पर अलग अलग है, खाविंद पर अलग वाजिब है और बीवी पर अलग वाजिब है। बाकी खाविंद अगर अदा कर दे तो कोई मसला नहीं। सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं? जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको सदका फितर भी दे सकते हैं। ज़कात और सदका फितर ये
अपने माँ बाप को और ऊपर दादा दादी नाना नानी को नहीं दे सकते, और नीचे बेटों को बेटियों को और नीचे अपनी असल और नस्ल को नहीं दे सकते। इस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ, बहन भाई को दे सकते हैं, भतीजे भांजे को, फूफी को, बाकी रिश्तेदारों को दे सकते हैं। ज़कात हो या सदका फितर या कोई भी वाजिब चीज़ जो हमने देनी हो, देने के वक्त हमारी नीयत यह हो कि हम दे क्या रहे हैं। ये ज़कात है, ये सदका फितर है, ये क्या है, हमें पता हम क्या दे रहे हैं। अगले को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है या सदका फितर है। ईदी कह के, तोहफ़ा कह के, कोई और मौका होता है बंदा दे देता है, लोगों का ख्याल करता है, तो किसी का दिल रखना ये भी ज़रूरी है। अब हमारे ये मौलाना उबैदुल्ला साहब बैठे, ये परसों जनाब होकर आए, वापस गए थे जनूबी पंजाब में, जिनके घर बनाए थे उनको ये ईदियाँ तकसीम करके आए, और कुछ जो चीज़ें थीं उन लोगों को देकर आए। तो आज कारगुजारी रिपोर्ट दे रहे थे काफ़ी तफसीली, तो उसमें एक चीज़ ना बड़ी शर्मिंदगी की है मेरे लिए, बड़ी परेशानी होती है। अब ये जब जाते हैं तो हम कहते हैं यार अपनी तस्वीर बनाओ, जिसको दे रहे हो उसकी तस्वीर भी लो। अब हकीकत में तो अच्छी बात नहीं है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, ये गलत चीज़ है। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया कि भाई हम जिसको भेज रहे हैं तो उसको भी चेक करना है कि भाई दे के भी आ रहा है कि नहीं, इदारे की हैसियत से। दूसरा, जो हमें एतमाद करके पैसे दे रहे हैं कि अदा करो, वो कहते हैं भाई बताओ कहाँ अदा किए, दिखाओ, वीडियोस मांगते हैं, तस्वीरें मांगते हैं, डेटा मांगते हैं, कहाँ गए, तो उनकी भी डिमांड होती है। तीसरा, इदारे के प्लेटफॉर्म से एक ये ज़रूरत होती है कि भाई हम जितना अपना काम दिखाएंगे लोग उतने ज़्यादा मुतवज्जे होंगे और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। और एक मामला और भी है कि बातिल बहुत मेहनत करके हम लोगों का माल इधर उधर लगा देता है। अगर अहले हक भी इन चीज़ों के अंदर रहते हुए अगर माहौल को इख्तियार नहीं करेंगे तो बड़ा ख़दशा है कि आजकल तो अमीरों के पास मरने का वक्त नहीं, उन्होंने कहाँ जाके देखना है किसी को। शरीयत का हुक्म तो बहरहाल वही है कि एक हाथ से ऐसे दो कि बाएं हाथ को भी पता ना चले। तो इनफरादी तौर पर तो बंदा ये कर सकता है, लेकिन जब एक इदारा बन गया, माशाल्लाह हमारे इदारे में स्टाफ माशाल्लाह 200 लोगों से ज़्यादा का हो गया अपना, और 40 ब्रांचेज हो गई, बहुत सिलसिला माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत दी, फैल गया। अब बहुत सारी चीज़ें फिर हमें माहौल के तकाजे ऐसे हैं कि उसको सोशल मीडिया पर डालने के लिए कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ना होते तो अच्छा था, लेकिन वो सिस्टम की मजबूरी बन गई, हालात की मजबूरी बन गई। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तशहीर करके पैसा जमा करते हैं, पीछे कुछ नहीं, अंधेरी अंधेरे है। और कई बातिल लोग जो अकीदे के ठीक नहीं, वो भी सोशल मीडिया पर तशहीर करके पैसा ले लेते हैं लोगों के पास जाके। और कुछ ऐसा भी तबका है, आज एक डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो वो कहने लगे जी हमारे पास लोग ज़कात देते हैं, हम कोई मशीन लेके अस्पताल में डाल देते हैं, कोई मशीन ख़राब पड़ी होती है उसकी मेंटेनेंस करा लेते हैं। मैंने कहा भाई ऐसे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होती, मतलब जो आपको ज़कात दे रहे हैं उनमें से किसी की ज़कात अदा नहीं होती। भाई ज़कात से, सबका फितर से आप किसी गरीब को मालिक बनाएं, उसकी मदद करें, उसका जो तरीक़ेकार शरीयत ने बताया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है। वो आए भी इसीलिए थे, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनके दिल में ख्याल आ गया कि भाई जो मैं ये कर रहा हूँ ज़कात अदा भी होती है कि नहीं। अब कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, फिर उन्होंने ख़ुद कहा, मैंने उनको जब शरी तरीक़ा कुछ बताया, उन्होंने कहा ये साढ़े वाले कोई गल नहीं, हमारा कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है, करोड़ों रुपये ज़कात लेते और ऐसे ही लगा देते हैं, वो ज़कात देने वालों की अदा ही नहीं होती, वो शरीयत के रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। ये खुद आज ऑफिस में आए हुए थे, हमारे अलकाहफ हेड ऑफिस में टाउनशिप में आज सुबह आए हुए थे, खुद तो अपनी ज़ुबान से बोल के गए, और ये नहीं 2-4 हज़ार, लाखों करोड़ों रुपए, एक रुपए भी हो वो भी अदा नहीं हुए, करोड़ों हैं तो भी अदा नहीं हुए।
फिर कहने लगे लोग भी हमें देते हैं, कहते हैं जो मर्जी करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो हमें इजाज़त देते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपको ज़कात भेज दी है, अब आप ठीक है, हॉस्पिटल का दरवाज़ा बनाना है वो बना लो, जो भी करना है कर लो, अल्लाह कबूल करने वाला। तो भाई फ़र्ज नमाज़ पढ़ते हो ना तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ लो, कभी क़िबले की तरफ रुख करके पढ़ लो, कभी क़िबले की तरफ पीट करके पढ़ लो, अल्लाह कबूल करने वाला है। कभी ज़ोहर के वक्त में ईशा पढ़ लो, ईशा के वक्त में फजर पढ़ लो, तो अल्लाह कबूल करने वाला है। ऐसे थोड़ी होता है, कोई सिलसिला है। कभी रमज़ान में रमज़ान ना रखो, मुहर्रम में रमज़ान रख लो भाई। तो ये तो नहीं होता, जो उसूल है वो लेना होगा। तो ज़कात देने वालों को, सदका फितर देने वालों को इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है किन को दे रहे हैं, किन को वकील बना रहे हैं। उन्हें पता भी है कुछ शरीयत का, कितने नाच गाने वाले वो गा गा के लोगों से ज़कात वसूल करते हैं। अब ये सब क्यों होता है? गुजरांवाला चैम्बर में मेरा एक बयान हुआ, तो पहले वो मियाँ उमर सलीम साहब हैं, तो वो वहाँ के सदर थे, तो मुझे हर महीने बुलाते थे। फिर वो चेंज हो गए, कोई और साहब आ गए, और वो अपनी मसरूफियात में चले गए, दोबारा मैं भी नहीं जा सका और वो भी नहीं बुला सके। मेरा रेगुलर वहाँ बयान शुरू हो गया था। वो जनाब कारोबारी लोग, उन्हें को मौलवी मिल जाए तो फिर कहते हैं ठीक है, फिर बेगम का गुस्सा भी इसी मौलवी को उतार लो, या पता नहीं क्या उतारना है। वो जनाब कहने लगे कि मदरसे वाले इदारों वाले ना बड़े पैसे खा जाते हैं, गड़बड़ बड़ी करते हैं। मैं किसी बात का इनकार नहीं कर रहा, गलतियाँ होती होंगी, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, उसको समझते क्यों नहीं हम? जनाब आप जो माल दे रहे हैं कितना हलाल और पाकीज़ा है, कितना आपने हराम हलाल का ख्याल रखा, कितना इसको सूद से, झूठ से, धोखे से, बेईमानी से, दो नंबरी से पाक रखा। तो जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट आएगा। हलाल और पाकीज़ा माल दें तो हलाल और पाकीज़ा इनपुट भी लें। तो अपनी तरफ नहीं, दूसरे ने ये कर दिया, भाई हमने क्या किया? तो मुझे यूँ महसूस होता है, हमारे काबिर की इसमें रिवायात मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं, एक का इशारा भी कर देता हूँ उस वाक़े को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का वाक़या है, एक अमीर आदमी आया, तो इमाम मालिक फरमाते थे कि हमें खर्च करने से अंदाज़ा हो जाता है इसका माल पाकीज़ा है या नहीं, हम उसका खर्च देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। इमाम मालिक कहते थे, एक बंदा आगे कि जी ये आप क्या बात करते हैं? तो उन्होंने देख लिया तो समझ गए ये लोग तो मादे के पार देखने वाले लोग थे, आम लोग हमारे जैसे तो थे नहीं। उन्होंने पता क्या कहा कि तुम कुछ माल है सदका करने के लिए लाए हो? कि जी हाँ लाया हूँ। कि जाओ फिर शहर में जाओ और सदका करो, और जिसको सदका दोगे ना वॉच भी करो करता क्या है। वो गया, एक आदमी को देखा, कोई लंगड़ा था, उसने जनाब उसको सदका की थैली पैसे दे दिए। अब इमाम मालिक ने फरमाया था ज़रा पीछे पीछे नज़र रखना। अब जनाब वो देखने लगा कि थोड़ा सा वो दूर हुआ, वो जनाब उसकी जो टांग टूटी हुई थी वो नीचे से निकल आई और उसने चलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सीधा कोठे पे गया और मुंह काला करके जनाब घर चला गया। इसका तो जनाब दिल बैठ गया कि ओह ये क्या हुआ, मैंने तो सदका दिया था अल्लाह के रास्ते में। अब ये आया इमाम मालिक रहमतुल्लाह को, उसने सुनाया, बड़ा गमगीन था। अब इमाम मालिक ने फरमाया ये मेरे पैसे हैं, मेरे जाती हैं, हलाल हैं, ये लो, ये भी किसी को जाके सदका देते ना और पीछे देखते रहना क्या हो रहा है। ये चला गया। ये आई ओपनर है ये वाकया, अगर किसी को समझ में आ जाए तो, आंखें खोलने के लिए बहुत है ये। अब वो इमाम मालिक के पैसे लेके निकला, तो उसने देखा एक शख्स है वो कूड़े के ढेर के पास खड़ा हुआ, कोई मुर्दा जानवर तो वहाँ पर कोई चीज़ थी, वो नहीं, वो इमाम मालिक के पैसे लेके निकला। अब तलाश कर रहा था क्योंकि मुस्तहिक मिले, तो एक बंदे के ऊपर उसको नज़र पड़ी, उसने कहा यार ये बंदा मुझे लगता है कुछ परेशान है, उसको जाके उसने पैसे दे दिए। उसके हाथ में एक थैला था, उसने पैसे लिए और ये पीछे होके देखने लगा कि मैं ज़रा देखूँ क्या करता है। थोड़ा सा आगे जाके वो उसने इस थैले में से कुछ निकाला और कूड़े के ढेर पे फेंक दिया।
थैले को खाली किया, फिर पंसारी की दुकान पे किसी जनरल स्टोर पे गया, कुछ सामान ख़रीदा, अपने थैले में डाला और घर चला गया। इसको समझ में कुछ नहीं आई। अब जस्तजू थी और इसके अपने माल के साथ जो हुआ था ना, तो इसको तो समझ नहीं आ रही थी। अब ये बेचैन होकर तड़प के दरवाज़ा जाके नॉक किया, जनाब मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने एक थैले में से कुछ फेंका, फिर वहाँ से ख़रीदा, ये सब क्या माजरा है? उसने कहा मैं गरीब हूँ, घर में बच्चियाँ हैं, कई दिन का फाका था और आज हमारे फाके की हालत बच्चियों की ऐसी हो चुकी थी कि मुर्दार खाना हमारे लिए इस दर्जे में हो चुका था कि जान बचाने के लिए कुछ खा लूँ। तो मैं घर से निकला, मुझे कूड़े के ढेर पे कोई जानवर नज़र आया तो मैंने उसका एक पीस काट लिया, तो वो घर ले जा रहा था कि चलो कुछ खा लें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने कितनी मेहरबानी की, आपका बड़ा एहसान, आपने मुझे पैसे दे दिए। तो मुर्दार तो पहले ही हराम था मेरे लिए, फिर वो हराम हो गया और वो तो फिर मैंने उठा के फेंका। और जनाब मैं कुछ लेकर आया हूँ, बच्चियों को दिया है, अभी वो खाना पकाएंगी और कई दिन के बाद आज हम खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीर। अभी आके इमाम मालिक को कहने लगा, हजरत तुसी ठीक कहते, आप ठीक कहते हैं, माफ़ी मांग लेगा। बड़ा रोया कि इमाम मालिक क्या कहते थे, हम माल के खर्च होने से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि माल कैसा है। अब एक आदमी ज़कात सदक़ात दे रहा है गाने बजाने वालों को, गाने बजाने पे, और लुटा रहा है और एक दीनदार लोगों को तलाश करके दे रहा है, दीनी मिजाज वालों को दे रहा है। ये फ़र्क शायद यहाँ समझ में किसी को आए किसी को ना आए, लेकिन कल क़यामत के दिन ज़रूर मालूम होगा। आज एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ऑफिस में कबूल करके गए कि करोड़ों रुपए की ज़कात हम चीज़ों पे लगा देते हैं। कहते हैं ना हमें पता है शरीयत का, और देने वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं जो मर्ज़ी करो। भाई शरीयत कहती है अदा नहीं हुआ, तो उनके दिल में एक ख़्याल था, तो कहते हैं आइंदा इंशाल्लाह ताला जो हो गया वो हो गया, अब आइंदा फिर मैं कुछ सोचता हूँ, अब पता नहीं क्या सोचेंगे क्या करेंगे अल्लाह जाने। लेकिन एक दर्द लेकर वो आए थे, ऐसे नहीं वो कोई आ गए, कोई दिल में ख्याल था, कोई खौफ खुदा हुआ, कोई ताल्लुक अल्लाह से बना, तो कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो माल के खर्च करने से पता लग जाता है कि ये मामला क्या है। अच्छा जी, भाई बहन भतीजा सास ससुर दामाद बहू इन लोगों को ज़कात और सदका फितर देना जायज़ है अगर वो गरीब और मुस्तहिक हैं तो? सादात को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। ऐसी एनजीओज़ ऐसे इदारे जो शरीयत का लिहाज नहीं करते, जहां शरीयत के अहकामात की कोई परवाह नहीं, उनको ज़कात देने वाले एहतियात करें, क़यामत के दिन वो परेशान होंगे। ये इदारे तो परेशान होंगे ही होंगे ये लोग, लेकिन जिन्होंने दी होगी ना, इन्होंने तो अच्छी नीयत से दी है, लेकिन अच्छी नीयत के साथ कोई चोरी करे तो ये तो नहीं कि हमारी नीयत तो अच्छी है ना, अगला क्या करता है, तो फिर अगली अच्छी नीयत के साथ बंदा जिना भी कर ले, फिर अच्छी नीयत के साथ बंदा चोरी भी कर ले, डाका भी कर डाल दे कि जी ये अमीर लोगों का डाका डाल के चोरी करके मैं गरीबों को दे दूंगा, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो पूरा काम शरीयत के मुताबिक हो तो होती है बात। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा होता है, बैरून मुल्क जो लोग मुकीम हैं उन्होंने जब सदका फितर अदा करना है तो कैसे अदा करें? पाकिस्तान में तो रेट कम है, वहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा हैं। आज भी सऊदी अरब से एक साहब ने मसला पूछा, तो मैंने कहा भाई वहाँ क्या पोजीशन है, तो वहाँ तो कम से कम 15 रियाल का है, यहाँ 250 रुपये है। अब एक रियाल अगर 75 रुपये का लगाएं तो जनाब 1000 रुपये से ऊपर चला गया, तो कई गुना ज़्यादा है। हम कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, बाहर जाके देखें तो सही, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह की नेमत, ठीक है महंगाई पहले से ज़्यादा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी दुनिया से कंपेरिज़न करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। जो बाहर रहते हैं ना, तो वो सदका फितर वहीं अदा करें या पाकिस्तान में अदा करें, लेकिन वहाँ के हिसाब से। भाई कोई सऊदी अरब में रहते हैं और अगर वहाँ 15 रियाल है, उसने 15 रियाल ही की अमाउंट देनी है, वहाँ दे या यहाँ दे, ये उसको इख्तियार है, लेकिन देना वो है जहाँ वो रह रहा है।
जहाँ वो कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है, उस हिसाब से देगा। जो पाकिस्तान में रहता है वो बाहर देना चाहता है, वो बाहर अगर दे रहा है, रहता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के हिसाब से देगा। उसूल तो यूनिवर्सल है ना। तो ये सदका फितर के हवाले से चंद बातें। अच्छा जी, ज़कात, सदक़ात और खैरात वगैरह की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। शैतान फिर कई चक्कर डाल देता है और कभी ख्याल नहीं रहता, कभी भूल जाता है, कभी मौत आ जाती है, कभी जनाब अली पैसे बाकी नहीं रहते, कोई हादसा हो जाता है। तो जितनी जल्दी ज़िम्मेदारियाँ अदा हो जाएं उतना ही बेहतर है। व आखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबी उम्मील करीम। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में नहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा, रब्बे करीम सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, रब करीम अपनी रहमतों की पुष्ट पनाही नसीब फरमा, रब करीम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ने की तकवा अता फरमा। या इलाहा आलमीन, आज कुरान मजीद की तकमील हुई अल्लाह, बहुत सारी गलती हमसे हुई, अल्लाह अपनी रहमत से इन गलतियों को माफ़ फरमा, पकड़ न फरमा, मुआवजा न फरमा, अल्लाह अपनी रहमतों की ठंडी छाँव अता फरमा। या अल्लाह, कबूल फरमा लीजिए, कामिल अजर अता फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, शर्म आती है कहते हुए कि कबूल फरमा लीजिए, बस अल्लाह अपनी रहमत से इसको कबूल फरमा लीजिए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को, या अल्लाह मेरे लिए, मेरे वालदेन के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे घर वालों के लिए, या अल्लाह सब के लिए निजात और मगफ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। या अल्लाह, अपनी रहमत का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मशाइख, हमारे असातिज़ा के लिए निजात और मगफ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। या इलाहा आलमीन, जामे शर्फिया वालों के लिए इसको निजात का ज़रिया बना दीजिए, वहाँ कुरान पढ़ा, अल्लाह अपनी रहमत का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह सारा साल शौक़ के साथ हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कुरान पढ़ने की और समझने की, अमल करने की, फिर इसके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम, हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान असबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा। रब्बे करीम, हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। या अल्लाह, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तकवा अता फरमा। रब करीम, तमाम हाजरीन की तमाम दिली नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, जब तक ज़िंदगी है सेहत ईमान आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब करीम, जो हमारी मौत का वक्त आ जाए, हमारी ज़ुबानों से कलमा जारी फरमा देना। मशल्ला, या अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएँ करते रहा करें, या अल्लाह सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमाईन। आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन बिरहमतिका या अल्लाह। www.dasquran.com